अब हम पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन, क्वेश्चनरी सेंटेंसेस. कौन से? डब्ल्यूएच वाले. सही है, डब्ल्यूएच वाले जो क्वेश्चनरी सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. जैसे तुम कहाँ रहते हो, अब ये नहीं कह सकते हाँ मैं रहता हूँ, आपको बताना पड़ेगा मैं कुरंगी में रहता हूँ. सही है, तो ऐसे जुमले जिसमें आपको जवाब देना पड़ता है पूरा हाँ या ना में, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसे सवालिया जुमले जो है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चनरी सेंटेंसेस कहलाते हैं. समझ में आ रही बात आपको? ये डब्ल्यूएच कितने हैं जरा देख लीजिए. व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. और हुज, और विच. यही हुम अगर आखिर में आएगा तो हुम हो जाएगा. ठीक है, यही अगर आखिर में आएगा तो क्या हो जाएगा? व्हाट के मायने होते हैं क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका, विच का मतलब कौन सा. अब इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो है सारे, यहां तक, यानी आप इसमें हुज को और विच को अलग रखेंगे, इनकी बात कर रहा हूं मैं. इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा या डू या डज आएगा या डिड आएगा, और फिर वर्ब सब्जेक्ट आएगा. जबकि इन दोनों के फौरन बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड. मैं समझाता हूं भी आपको. मिसाल के तौर पर हम एक जुमला लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का. शाजिया चाय बनाती है. इंग्लिश क्या होगी इसकी? शाजिया मेक्स टी. ठीक है, अब हम इस जुमले पे ये लगाना चाहते हैं क्या, तो जुमला क्या होगा उर्दू में? जी नहीं, क्या शाजिया चाय बनाती है, ये नहीं होगा. शाजिया क्या बनाती है, ये होगा. क्योंकि वो जो आप कह रहे हो क्या शाजिया चाय बनाती है, उसका जवाब तो हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला है. तो इस क्या का मतलब क्या होता है, क्या चीज, तो इसका जुमला क्या होगा, शाजिया क्या बनाती है. शुरू कहां से करेंगे, व्हाट, ये व्हाट लिख दिया. व्हाट के फौरन बाद क्या आता है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, तो इसमें क्या आएगा, डज आएगा. व्हाट डज
Shazia make. ये जुमला बना. उतारिए इसको. What का इस्तेमाल किया हमने? Shazia क्या बनाती है? What does Shazia make? अब हम इसी जुमले पे कब का इस्तेमाल करेंगे? कब? When? उर्दू में क्या जुमला बनेगा? Shazia कब चाय बनाती है? है ना? ये मिटा दो ये वाला. Shazia कब चाय बनाती है? ये होगा जुमला. Shazia कब चाय बनाती है? आप बताइए क्या बनेगा अब इंग्लिश में? कहां से शुरू करें? When. When के फौरन बाद क्या आएगा? Helping verb आता है, इसमें helping verb नहीं है, तो does आएगा. When does Shazia make tea? उतारिए. ठीक है ना? When does Shazia make tea? अच्छा, अब हम इसको where में इस्तेमाल करेंगे. Where? Shazia चाय कहाँ बनाती है? ये तो मैं लिख रहा हूँ, Shazia चाय कहाँ बनाती है? क्या होगा? Where does Shazia make tea? तो when के बजाय आप सिर्फ क्या बढ़ा दोगे इसमें? Where. समझ में आ रही है? उसके बाद हम why इस्तेमाल करें. Shazia चाय क्यों बनाती है? जुमला ये होगा इंग्लिश में. Shazia चाय क्यों बनाती है? अच्छा, क्यों को क्या बोलेंगे आप? Why. Why के साथ क्या आएगा? Does. Why does Shazia make tea? ये जुमला बनेगा यूं. समझिए. Why does Shazia make tea? सही. अब इसी पर हम हाउ लगाना चाहते हैं. हाउ का मतलब कैसे. तो Shazia चाय कैसे बना लेती है भाई, ये सवाल है. अभी आप वेन पे जल्दी करो. वेन के बाद वेयर. हम तो वाई भी चला गए. अगला जुमला क्या होगा? Shazia चाय कैसे बनाती है? बिल्कुल सही है. Shazia कैसे चाय बनाती है? अब आप क्या इस्तेमाल करोगे? हाउ. इस वाले को कैसे बनाएंगे? हाउ डज Shazia मेक टी. सही है. अब आप हु में इस्तेमाल करने जा रहे हैं. चाय कौन बनाती है? सही है. या कौन चाय बनाती है? कौन चाय बनाती है? तो ये लिखेंगे who does make tea या who makes tea. ये भी सही है. Who does make tea या who makes tea, दोनों सही है. सही है. Who makes tea या who does make tea.
अब हमें whose का इस्तेमाल करना है इसी जुमले पे. शाजिया किसकी चाय बनाती है? शाजिया किसकी चाय बनाती है? अब ये हुज है. हुज के फौरन बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. हुज के फौरन बाद क्या आएगा? हुज टी. यस, हुज टी. उसके बाद आएगा डू या डज. डज शाजिया मेक. तो किसकी चाय? हुज टी डज शाजिया मेक. सही है. कौन सी चाय बनाती है? दूध वाली बनाती है या ग्रीन टी बनाती है? विच टी? विच टी, क्योंकि इसके फौरन बाद भी क्या आता है? तो विच टी डज शाजिया मेक. बना ले, लिख ले. विच टी डज शाजिया मेक. सही है. अब अगर मैं इसे कंटिन्यूस में ले जाऊं तो ये शाजिया चाय बनाती है के बजाय क्या होगा? बना रही है. कंटिन्यूस में आ गया. इसकी इंग्लिश क्या होगी? शाजिया इज मेकिंग टी. ऐसे ही होगा. अब इस पे लगाइए. वाट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब. इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डस्ट थोड़ी आएगा. वाट इज शाजिया मेकिंग. समझ में आ रहा है? टी नहीं, वाट तो आपने पूछ लिया ना, टी दोबारा नहीं बोलेंगे. वाट इज शाजिया मेकिंग? कब बना रही है? वैन इज. वैन इज शाजिया मेकिंग टी. समझ में आ रहा है? Where is Shazia making tea? Why is Shazia making tea? How is Shazia making tea? Who is making tea? अच्छा, किसकी चाय बना रही है? Whose tea is? Whose tea is Shazia making? कौन सी चाय बना रही है? समझ में आई? तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे. हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको डू या डज लेना है, और पास्ट इंडेफिनिट होता तो क्या लेते? डिड लेते. पास्ट इंडेफिनिट ऐसे पता चलता ना. शाजिया चाय बनाती थी. अगर जुमला ये होता शाजिया चाय बनाती थी, ये है जुमला. इसकी इंग्लिश क्या होगी? शाजिया मेड टी. अच्छा, अब इस पे ये लगाना है व्हाट. तो शाजिया क्या बनाती थी? व्हाट डिड. सही है. डेट क्यों आया पता चला ना आपको? व्हाट डेट शाजिया मेक, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म अब कन्वर्ट होगी फर्स्ट फॉर्म में. सब बच्चे समझ पा रहे हैं? ये पता चला सिर्फ दसवीं वाले समझ पा रहे, नवीं वाले नहीं समझ पा रहे. व्हेन, कब शाजिया चाय बनाती थी? व्हेन डेट शाजिया मेक. When did Shazia make tea? Shazia कब चाय बनाती थी? कहाँ बनाती थी? Where did Shazia make tea? Why did Shazia make tea? How did Shazia make tea? Who made tea? या who did make tea? ये भी सही है. और who made tea?
Shazia make? Which tea did Shazia make? तो ये WH का इस्तेमाल आपको इस फार्मूलों के तहत करना है, ठीक है? ये वाले जो है इसके फौरन बाद help की और आएगा अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो देखेंगे वो present indefinite का है तो do या does आएगा, अगर past indefinite का है तो did आएगा, verb के second form first form में तब्दील होगी। और ये जो दो है whose और which, इसके फौरन बाद object आता है और object के बाद फिर लगता है या तो helping verb, या अगर helping verb नहीं है तो do या does या did। क्लियर हो गई बात आपको? ये तो था जनाब उसूल। लाइन से सीधा सीधा पढ़े तो बड़ा अच्छा समझ में आता है, लेकिन अगर बीच में कोई जुमला बोल दे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन सा सवालिया जुमला है, आया WH क्वेश्चन वाला है या आया हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है। अब मैं आपको मिक्स जुमले बोलूंगा और आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। लिखिए जुमला, कल तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था? कल तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था? गिलास किसके पास है? बनाओ इसकी इंग्लिश। शुरू में टाइम नहीं आता, टाइम आखिर में आता है हमेशा। ये जो ये क्या लिखा है, यस्टरडे या लिख दो। हाँ, वेयर वाज, वाज आएगा ना, टुमारो नहीं यस्टरडे। देखा आपने कितना मुश्किल लगा ना, जब आपके पास नया जुमला आता है तो फिर आपको सोचना पड़ता है कहाँ जा रहा था, वेयर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है पास्ट कंटिन्यूस में, वाज आता है, तो वेयर वाज योर ब्रदर गोइंग यस्टरडे। गुजरे हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। कल तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था? सही है। लिखिए, कल तुमने कौन सा बर्गर खाया था? कल तुमने कौन सा बर्गर खाया था? तो आपके सामने ही आ गया विच। विच के फौरन बाद क्या लगाते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बर्गर। विच बर्गर? यस, विच बर्गर। डिड क्यों आ गया? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। सही है। विच बर्गर डिड यू ईट यस्टरडे? तो ये आपको जो है ना बड़ा सेंस पैदा करना होगा अपने अंदर। सीखा हुआ सब है, आता सब है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, और आपको सेंस पैदा करना पड़ेगा कि कैसे जुमला उठाया जाए। सही है। जुमला लिखिए अगला। क्या तुम कल मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम कल मेरे साथ क्या तुम कल मेरे साथ खेलोगे? जी आप इसको वार्ड को तो छेड़ना नहीं,
इसलिए ये जो जुमला है वो है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, हाँ या ना वाला। सही, तो जब हाँ या ना वाला जुमला होता है, जब हाँ या ना वाला जुमला होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। तुम मेरे साथ खेलोगे, यू विल प्ले विद मी, विल को शुरू में लगा दो, विल यू प्ले विद मी टुमारो, विल यू प्ले विद मी टुमारो। समझ में आया वाट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया वाट? ये जुमला ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, हाँ खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो जब जुमला हाँ या ना वाले जवाब वाला हो तो फिर ये नहीं लगाते, फिर आप हेल्पिंग वर्ब से बनाते जुमला। सही है। सही है। तुमने दुकान से तुमने कल दुकान से क्या खरीदा था। दुकान ऐसे लिखते भैया, सब बच्चे देख लो। वाव नहीं आता यहाँ पे, जो बच्चे वाव लगाते हैं वो दो कान लिखते हैं, दो कान। तुमने दुकान से कल क्या खरीदा था? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। और वाट के साथ है, वाट के साथ है और पास्ट इंडेफिनिट है। वाट डिड यू बाय फ्रॉम द शॉप यस्टरडे। वाट डिड यू बाय फ्रॉम द शॉप yesterday? What did you buy from the shop? समझ आ रहा है, कुछ पकड़ पा रही हो? हाँ क्या नहीं? अच्छा, जुमला लिखिए, मैं तुम्हारे साथ रोजाना नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रोजाना नहीं खेलूंगा। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल नॉट प्ले विद यू एवरीडे या डेली। आई विल नॉट प्ले विद यू डेली एवरीडे। उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, उसने मुझे, दोनों लिख दे, डेली भी लिख दे एवरीडे भी लिख दिया, अब एक लिख दो कोई। उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। टेंस बताओ, टेंस कौन सा है? लड़की है। टेंस कौन सा है? उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। पास्ट इंडेफिनिट है ये। लड़की है तो शी डिड नॉट बताया, टेल, शी डिड नॉट टेल मी अबाउट यू। तुम रोजाना सुबह नाश्ते में
तुम रोजाना सुबह नाश्ते में चार पराठे कैसे खा लेते हो? तुम रोजाना सुबह नाश्ते में चार पराठे कैसे खा लेते हो? वाई क्यों लिख रहे हो? कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो हाउ डस क्यों यू है ना यू. हाउ डू यू, हाउ डू यू ईट? फोर पराठास. फोर का मतलब एफ ओ यू आर फोर, चार. फोर पराठास एवरी मॉर्निंग इन ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट इन एवरी मॉर्निंग. ठीक है, तो देखिए जब आप जुमला बनाने बैठते हैं तो बड़ा गौर करते हैं ना कि कौन से टेंस का है, फिर सवालिया है तो कौन सी नोयत का है, अगर नेगेटिव है तो कहाँ नॉट लगेगा. ये सब बातें आपको बड़े गौर करके जो है वो पुट करनी पड़ती हैं. फिर जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारी बार लिखते हो बहुत सारे जुमले बनाते हो सैकड़ों की तादाद में, तो फिर आपका जहन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ता. तो आपको इतने जुमले बनाने चाहिए, कम से कम आपको 1000 जुमले बनाने चाहिए डिफरेंट नोयत के, 1000 जुमले. उसका तरीका ये है कि आप एक दिन के अंदर 50 का एवरेज लेके चले कि मैं एक दिन में 50 जुमले बनाऊंगा, तो 20 दिन में 1000, एक महीने में 1000 जुमले आपके कंप्लीट हो जाएंगे. इतने जुमले अगर आप बना लेंगे तो इतने जुमलों के बाद आपकी प्रैक्टिस इस कदर हो जाएगी कि जहन में जुमला आएगा और उसकी इंग्लिश फौरन आपके जहन में आना शुरू हो जाएगी कि इस टेंस में है, इधर है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप ये जुमले नहीं बनाओगे इतने सारे, तो फिर आज आपने ये बात सीखी है और थोड़े दिनों बाद आप ये बात भूल जाओगे. तो मैं आपको काम दूंगा, कल इंशाल्लाह एक पेपर दूंगा जिसमें बहुत सारे जुमले लिखे होंगे, तो आपको सारे जुमले की इंग्लिश क्लासरूम में ही बनानी होगी. ठीक है, घर से आप इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ कर आएंगे, पूरी ग्रामर को, सारे टेंसेस को, उसके सवालिया कैसे बनेंगे, उसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, ये आप घर से देख कर आइए. कल एक आपको शीट मिलेगी जिसमें कम से कम 20-30 जुमले होंगे और आपके पास 20-30 मिनट का टाइम होगा, और आप जुमला देखेंगे उसके सामने उसकी इंग्लिश लिखेंगे, जुमला देखेंगे उसके सामने उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और उसमें गलती आप ना करें. ठीक है बेटे, इसको बंद करो.